जी अस्सलाम वालेकुम गजनी भाई उर्फ मोहम्मद सादिक असगर आपके हाजिर है। ये भजन आज जा रहा हूँ बर दुबई के, लास्ट टाइम में भी गया था मेट्रो में, अभी टैक्सी में जा रहा हूँ। खान भाई मिले हैं सुबह सुबह, बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा आपको एड्रेस नहीं मालूम तो मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे बनते रहें ज़्यादा, नहीं तो कुछ होते हैं ऐसे टैक्सी वाले जो बिठा देते हैं, बोलते हैं मुश्किल नहीं है, चलता रहता है। तो बहुत अच्छा तमन कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी जा रहे हैं जी। आज लास्ट टाइम पे भी उधर गए थे, थोड़ा काम था, आज भी काम है। देखें मिल जाए लोकल आने वाले। देखें अभी तक यहाँ पे टैक्सी के अंदर दो आदमी से ज़्यादा अलाउड नहीं है, तीन आदमी नहीं बैठ सकते। आगे वाली सीट बांधी हुई है दो आदमियों के लिए, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है मास्क लगाना है। और सब आप, मैं दुआ करता हूँ खैरियत से होंगे जो भी मेरी वीडियो देखते हैं। अल्लाह और फजल से मैं बोलता हूँ उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, खैर खैरियत से रहें, परेशानी से अल्लाह ताला बचाए सब मुसलमानों को, सब भाइयों को। ये बकलम खुद आज जी बहुत अच्छा मौसम है दुबई का, अच्छा मौसम है, इतनी गर्मी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर एसी के भी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो चलता है। और सब आप ठीक हैं? देखिए कितना प्यारा निज़ाम है जी। ये हयात जंसी है, बहुत मशहूर और पुरानी बिल्डिंग है, हयात जंसी होटल भी बोलते हैं इसको। ये देरे की ख़ास मशहूर बिल्डिंग है। वो ये जो शीशे से नज़र आ रही है ये वाली बिल्डिंग है हयात एजेंसी होटल। ये जो छोटा सा ऊपर ये आपको गोल दायरा नज़र आ रहा है, यहाँ पे बैठने के लिए इन लोगों ने जगह बनी हुई है बहुत प्यारी सी। होटल के ऊपर बैठ के यहाँ पे ड्रिंक वगैरह लोग पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। एक अच्छा सा माहौल बनाया हुआ है। लास्ट टाइम गया था बहरहाल इसके ऊपर तो नहीं गया, इसके अंदर गया हूँ। कभी इधर जाना हुआ तो ज़रूर आपको वीडियो में दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे हम कितना कानून को फॉलो करते हैं। इंडिया पाकिस्तान हो तो कानून को, इशारा ग्रीन है तो जा रही है गाड़ी, रेड है तो जा रही है, यहाँ पे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रेड है तो स्टॉप है, ग्रीन है तो फिर चलती है गाड़ी। कोई गलती से चला गया तो एक तो फैन बहुत आता है, फैन के अलावा एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है। ये जी पुरानी फिश मार्केट थी इधर, अभी यहाँ पे इमारतें बन चुकी हैं, ये जितनी न्यू बिल्डिंग है देख रहे हैं आप। ये सीढ़ियों वाला ब्रिज बनाया है इन्होंने रास्ते पे जाने के लिए। ये कभी इधर फिश मार्केट होती थी, इस साइड में गोल्ड सूक है लेफ्ट हाथ में,
और राइट पे ये देखें, ये पूरी फिश मार्केट होती थी पहले। ये 3 साल पहले इधर फिश मार्केट थी दुबई की, अभी पूरी इमारतें बन चुकी हैं, बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं। ये टावर है जी, ऊपर से समंदर जाता है और नीचे से ये इन लोगों ने ब्रिज बनाया हुआ है, अंडरपास। ये सुरंग है और इसके ऊपर से जो है पानी जाता है, दरिया है एक किस्म का, समंदर है जी, बल्कि शिप जाते हैं बर दुबई के लिए, बड़े बड़े छोटे छोटे। रिपोर्ट कहते हैं देखिए जी, शिप खड़े में जहाज पानी के अंदर, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये पानी के अंदर ही खड़े हुए बड़े बड़े जहाज इन लोगों ने रखे हुए हैं। जो अंदर जाता है सीधा, एक बस स्टैंड पे आता है ना वो वाला नहीं, जो सीधा स्ट्रेट जाता है। ये शिप देखेंगे, ये बाहर का जहाज आया हुआ पानी वाला। ये बर दुबई जाने के लिए इधर बस स्टैंड है, शारजा अबू धाबी। इधर आगे थोड़ा सा जाएंगे तो बस स्टैंड हैगा, मुल्क वैन किधर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे टैक्सी बस आपको अवेलेबल है। भजन सीधा जाना था मेरा, प्रैक्टिकल मेरा अभी एक्सपीरियंस पहले मैंने मेरे को लोग पता नहीं बताता, तुम पैसे थोड़ा सा बंद करो तो फिर तुम्हारा बच्चे भी और कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जाओ, ये दिल सच्ची बात करता हूँ। वो कोई देखेगा नहीं, हाँ स्कूल नहीं छोड़ेगा, यही बात है ना। ये अल पहली मेट्रो स्टेशन, उसके बाद बर्गीमान मेट्रो स्टेशन है। हाँ जी जी जी, आपको समझा तो क्या गलत नहीं किया था, आपको नया होता रहे देखा लूँगी। ये खालिद बिन वलीद रोड है। जी जी, खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद रोड बहुत फेमस रोड है। अगर आप खालिद बिन वलीद तो मैं सीधा इधर आ सकता था। ये खालिद बिन वलीद रोड और पहली मेट्रो स्टेशन जो टोटल बहुत मशहूर है, यही बात करता हूँ। इधर अगर कमा लिया तो अच्छा, नहीं कमा तो बड़ा बर्बाद भाई। बस पैसा इधर अल्लाह पाक ने बहुत दिया, संभाल नहीं किया, बस ये परेशानी है कि वो टाइम पे मालूम नहीं पड़ा किधर किधर से। लाइव वीडियो करते हो, कहाँ वीडियो करते? मैं ये आम वीडियो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी ये बनाया हुआ है मैंने, ये यूट्यूब चैनल है जी, मेरे नाम से है। क्या नाम है? गजनी विलेज। गजनी विलेज, हाँ गजनी भाई विलेज। गजनी भाई विलेज, आप भी इंशाल्लाह ये आपकी वीडियो भी आएगी। मैं रात को फिश मार्केट की पूरी डालता हूँ। गजनी भाई, हाँ स्पेलिंग क्या?
देखिए। जी जी गजनी भाई इसके लिए अभी शुरू किया है। मैं अभी पक्की लाइसेंस भी ले रहा हूँ, आरटीओ पार्किंग में चले गए हैं, पर आप लोग टैक्सी वालों को तो जल्दी दे देते हैं, हम लोगों को थोड़ा प्राइवेट लोगों को लाइसेंस नहीं। ठीक है ठीक है, आप ठेके पे हो तो फिर भी दे देते हैं। जी जी इससे पहले उतार दे, मैंने ये बैंक में जाना है, मुल्क वैन याद रखना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? वलीउल्लाह भाई, हाजी वलीउल्लाह। माशाल्लाह आपने उम्र भी बहुत किए होंगे, हज भी किए, देखें ये कभी हमारे नसीब में होगा तो जरूर जाएंगे। ये जी सामने अपने पाकिस्तान की बैंक है, HBL ये ब्रांच है यहाँ पे बड़ी भरदुबई में, और छोटी छोटी ब्रांचें रहती हैं देरा में भी हैं, भरदुबई के अंदर ये बड़ी ब्रांच है। क्योंकि अभी रोडों पे काम हो रहा है थोड़ा, इसलिए यहाँ पे खुदाई हो रही है, रोड बन रहे हैं जदीद से जदीद। बाबा दिस इज दुबई, यहाँ पे कोई आगे है स्टाफ तो बस के साथ उतार सकते हैं तो उतार दें इधर ही। शुक्रिया जी, इंशाल्लाह 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 जी। जी वो बैंक है मुल्क वैन, पर पाकिस्तान इंडिया होता तो हम लोग सीधा रोड क्रॉस करके जा सकते हैं, पर इसके लिए मेरे को आगे से चल के वापसी फिराना पड़ेगा। मामा जी सलाम अलैकुम, दुआ करें। अल्लाह खैर, आमीन। बुढ़िया मामा खड़ी थी, अल्लाह ताला उसको खैरियत करे, पर उसने मांगे तो नहीं है, मेरी जो औकात थी मैंने दे दिया। और मेरा भाई सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपका दिन कैसे गुजरता है? अच्छा ही गुजरता है। तो यार मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें, बेल वाले बटन को दबाएं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, पैदल चलता हूँ, देखे कहाँ कहाँ से चल गया है, और तुल काजी की शर्ट पहनी हुई है भाई ने, देखे पैदल चलता हूँ, इतना बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। आप मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। ये मेट्रो स्टेशन है परजुमान का, लास्ट टाइम मैं जब मेट्रो में गया था तो यहाँ से ही नहीं हुआ था, यहाँ की वीडियो नहीं बनाई थी। ये मेन जगह है जाने के लिए, पर मेरे को रोड घूम के उस साइड में आना है, लेफ्ट साइड पे, तो इतना चल के आ रहा हूँ। और चलना पड़ता है, लगता है रोड स्टॉप है, चांस है बंद है, अभी इशारा खुल चुका है, मेरे चांस ख़त्म हो गए, फिर मेरे को वेट करना पड़ेगा इशारा ग्रीन होने तक। अमारात की पहचान, दुबई की पहचान, घोड़ा कितना प्यारा बनाया हुआ है, इनका फ्लावर भी है, इनकी पहचान भी है दुबई की, छोटा सा बच्चा घोड़ा बनाया हुआ है।
ये जी अशहर है ग्रीन, फिर चांस हो गया जाने के लिए, हम लोग जा रहे हैं। आधा खुले आधा रहते, ये पीछे शेख जहद रोड है, बुर्ज खलीफा, बड़ी बड़ी इमारतें जिधर हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आपको नज़र आ रही है कोने पे, ये शेख जहद रोड है। इधर वापसी जाएंगे तो देरे की तरफ जाएंगे, सीधा जाएंगे। ये इशारा ग्रीन होगा, जैसे जाते हैं रोड क्रॉस करते हैं, और ये रोड हमने क्रॉस कर लिया। रोड के बाद जैसे हमने, क्योंकि मुल्क वैन बैंक जाने के लिए उधर से इतना मेरे को घूम कहना पड़ा, इधर से आपको पिक देता हूँ, शेख खलीफा, शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई बादशाह, शेख मोहम्मद दुबई का बादशाह, शेख खलीफा अबू धाबी का, इनकी एक ही रियासत है, ये पूरी अमारात के हैं हाकिम है, शेख मोहम्मद हाकिम। डे टू डे वन टू डे, दिल्ली पहलवान जा रहा है आगे, दिल्ली पहलवान कैसा हाल है? ठीक ठाक है भाई। अच्छा वो साइड दे, वो बैंक के जो है, ये शॉपिंग हॉल है, देखिए ये हमारे भाईजान पहलवान बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मार्केट के पेश उठाते हैं, ये भी काम पे आए हुए थे, रास्ते में मिल गए हैं। जी जी लाइव वीडियो पे जा रहे हैं, पाकिस्तान की बैंक UBL, पाकिस्तान की ब्रांच बर दुबई में आपको पूरी ब्रांचें मिलेंगी, बैंक की सब बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं, आप बर दुबई में आ जाओ, कोई भी बैंक का आपको, छोटी ब्रांचें तो उधर रहती हैं हर सिटी में, पर इधर बिग ब्रांच है, इधर आपको मिलेंगे, कोई भी काम हो रुका हुआ तो हो सकता है आपको, नो टेंशन जाने की। जी मुल्क वैन बैंक में मैं आ चुका हूँ, अभी जिससे मिलना है उससे फ़ोन करता हूँ, अभी मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को लाइक करना प्लीज़, शुक्रिया, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले बटन को दबाएं, ओके अल्लाह हाफिज़।